वरोरा शहर के प्रख्यात चिकित्सक के रूप में मनोनीत सीनेटर डॉक्टर सागर वजे को ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहिर ने भाजपा पार्टी में शामिल कराया। इसके बाद कहा गया कि उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इससे वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ताकत में इजाफा हुआ है और उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि आने वाले चुनाव में कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिशन 2024 के तहत मोदी एट 9 जनसंपर्क मिशन की 9 सितंबर 2019 से शुरुआत हुई और 30 मई 2023 से प्रदेश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में की जा रही है और भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर को चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रचार समन्वयक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए गरीबों और आम लोगों के हित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों को किसान नौजवान महिला और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मोदी सरकार के राष्ट्रीय विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक पहुंचने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को द्वार द्वार जाना पड़ेगा। हंसराज अहिर ने कहा कि माह भर चलने वाले इस महासंपर्क अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पत्रकार वार्ता विशाल रैलियां सोशल मीडिया सभा व्यापारिक सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वरोरा तालुका में बड़ी संख्या में भाजपा में लोग शामिल होने जा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय विश्राम गृह वरोरा से भाजपा तालुका अध्यक्ष भगवान गायकवाड़ सुरेश महाजन मधुसूदन टिपले राहुल बांदुरकर विनोद लोहकरे आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल 9 वर्ष पूर्ण झाली प्रधानमंत्री बनून देशभर असंख्य लोकांना भाजपने प्रवेश देत असताना डॉक्टर वजय यांच्यासोबत त्यांच्यासोबत सहकारी त्यांचे सगळे परममित्र अनेकांनी भाजपमध्ये काम करता मानस दाखवल्यामुळं त्यांचा स्वतःचा आज या ठिकाणी प्रतिकात्मक ते स्वतः येऊन प्रवेश घेतलेला असला तरी पण आम्ही 8 दिवसामध्ये एक भव्य कार्यक्रम घेऊ आणि त्यामध्ये यांचे सहकारी अजूनही काही गावातील मंडळी आहेत दहेगाव वगैरे भागातील मंडळी पक्षात येणार आहेत त्या सर्वांना जाहीर आम्ही सत्कार करणार आहोत स्वागत करणार आहोत प्रवेश देणार आहोत। मी डॉक्टर वजे यांना शुभेच्छा देतो की आपल्या प्रवेशामुळं आम्ही आमच्या पक्षामध्ये तुमचा नक्कीच फायदा होणार असला तरी पण तुम्हाला शुभेच्छा की आपण राष्ट्रीय पक्षामध्ये आला जो देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे आणि या देशामध्ये सत्ता पण भाजपची असताना आपण प्रधानमंत्रीच्या कार्यशैलीला आणि राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस जी आहेत चंद्रशेखर बावनकुळे जी आहेत पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री पण आहेत या सर्वांना कार्यपद्धती पाहून आम्ही पक्षात प्रवेश केलेला आहे हे आपण सांगितलेलं आहे। एनबीसी न्यूज के लिए वरोरा से चेतन लुथड़े की रिपोर्ट।